बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर होम में आज हम माउंटेन्स का ज़िक्र कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं पहाड़ी इलाके में आया हुआ हूँ। ये कोह सुलमान का इलाका है। यहाँ बहुत ज़्यादा सैलाब ने, बारिशों ने तबाही मचाई है। ये मेरा आबाई इलाका है, तो फिर हम सारा एरिया देख रहे थे, ढूँढ रहे थे, तो मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना पहाड़ों के हवाले से भी हम होम्योपैथी फॉर होम में भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें। कुछ लोगों की पहाड़ों पे जाके तबीयत बहुत हशाश बशाश हो जाती है, उनको मज़ा आ जाता है, लाइफ बिल्कुल ऐसे लगता है बस यहीं रह जाएं तो मूड, मिजाज, तबीयत, सेहत, हर चीज़ ज़बरदस्त हो जाती है। ऐसे लोगों की दवा है ट्यूबरक्लिनो। ये रिपीट नहीं करनी होती बार बार, हफ्ते 10 दिन में एक दफ़ा भी ले लें तो आमतौर पर वाज़े फ़ायदा ना सिर्फ इस कैफियत में हो जाता है, बल्कि ओवरऑल ज़िंदगी के बहुत सारे तकाज़ों में भी सेहत बेहतर हो जाती है। कुछ लोगों को पहाड़ों पे जाके बहुत वाज़े डिस्टरबेंस होती है, उनका मूड मिजाज ख़राब हो जाता है, तबीयत में काफ़ी अपसेटनेस होती है, दिल करता है बस निकलो यहाँ से, जाओ वापस जाओ। ख़ासतौर पर अगर आप फैमिली के साथ, ट्रिप के साथ, ट्रैवलिंग पे गए हुए होते हैं, तो ऐसे मामलों में फिर दिक्कत आ जाती है। जो इंसान पहाड़ों में इस तरह के माहौल में काफ़ी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, तो वो अकेला नहीं डिस्टर्ब होता, फिर वो सबको डिस्टर्ब करता है। उसकी सिर्फ इस मिजाज की, इस तबीयत की ख़राबी की दवा नहीं है, ओवरऑल भी ठीक करेगी, यानी इस कैफियत को ठीक करेगी कि वो पहाड़ों पे जब जाता है, जाती है, डिस्टर्ब ना हो, मगर उनकी सेहत की भी कोई ख़राबियाँ हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी। इस दवा का नाम है कोका। कोका 200, 10 कतरे सुबह, 10 कतरे रात, हफ्ता 10 दिन लेने से ये तबीयत की ख़राबी भी ठीक हो जाती है और ओवरऑल भी इंसान वाजे वाजे अल्लाह के फजल से बेहतरी की तरफ चल पड़ता है। थैंक यू।